नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। आज सातवें फेज की वोटिंग हुई और बिहार की 8 सीटों पर जहां जहां वोटिंग होनी बाकी थी वहां वहां वोट पड़े। पूरी खबर बताएंगे, कई जगहों पर कई घटनाएं भी हुई हैं, वो भी विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के दो बड़े जर्नलिस्ट हैं, फैजान अहमद सर हैं, रवि उपाध्याय सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, और इनके चश्मे से, इनके नजरिए से हम देखें तो नालंदा से हम शुरुआत करते हैं। ज्ञान की, तपोवन की भूमि नालंदा, जहां से कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ, जो कि लेफ्ट पार्टी से हैं, वो खड़े हुए। कौशलेंद्र कुमार कई बार सांसद रहे हैं जेडीयू से, एनडीए के फोल्ड में वो सीट गई थी, और फिर से नीतीश कुमार ने कौशलेंद्र कुमार पर भरोसा किया। हम फैजान अहमद सर से शुरू करते हैं। सर, कौशलेंद्र कुमार कई बार सांसद रहे हैं, इस बार फिर नीतीश कुमार के भरोसे के पात्र बने। आपको लगता है कि फिर जेडीयू नालंदा में अपना झंडा लहरा पाएगी एनडीए के दम पर? देखिए, नालंदा में इस बार कंटेस्ट जो चल रहा है बहुत ही टफ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा मामला यहाँ पर हो जाए। ये सही है कि नालंदा में जो वोट पड़ता है वो नीतीश कुमार के नाम पर पड़ता है। अब तक जितनी बार भी कौशलेंद्र कुमार को नीतीश कुमार ने उनको उम्मीदवार पहली बार तो बनाया, तो नीतीश कुमार के नाम पर और उनके चेहरे पर ही वो उन्हें पड़ा था। उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस भी नालंदा से एमपी रहे, खुद नीतीश कुमार भी एमपी रहे, लेकिन कौशलेंद्र कुमार की बहरहाल उतनी पॉपुलरिटी नहीं थी जितनी कि जॉर्ज फर्नांडिस या नीतीश कुमार के हो सकते हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के ये आदमी खास आदमी थे, उन्होंने उनको खड़ा किया, इसलिए वो जीते, फिर दोबारा जीते। अब ये इस बार CPIML के जो उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ विधायक हैं, वो उन्हें एक कड़ा चुनौती दे रहे हैं, कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो इसमें नतीजा जो भी हो, लेकिन नतीजा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं दिखाएंगे, कोई थोड़े डिफरेंस, मार्जिन कम रहेगा, मार्जिन कम रहेगा इसमें, क्योंकि कंटेस्ट बहुत टफ है, इसलिए मार्जिन भी कम रहेगा। जीत आपको लगता है फिर से जेडीयू की हो पाएगी या फिर चुनौती करेगी? देखिए, अगर जनता या वोटर नीतीश कुमार के नाम पर और उनके फेस पर ही वोट देते हैं, नीतीश कुमार ने इस बार काफी मेहनत की है, उन्होंने वहां रोड शो भी किया है, आज बख्तियारपुर की तरफ वोट देने भी गए थे जहां वो वोट देते हैं, वो तो उनका वही वोटर वहां के हैं तो वो वोट देने वहां जाते ही हैं। लेकिन इस बार तो काफी मेहनत की है नीतीश कुमार ने अपने में, इसलिए अगर वो जीत होती है तो नीतीश कुमार की जीत होगी। रवि उपाध्याय सर हैं, कौशलेंद्र कुमार क्या लगता है? तैयारी तो पूरी की थी, देखा हमने नालंदा का कई पब्लिक ओपिनियन देखा हमारे चैनल पर, इसमें लगता है कि माहौल बदला या वही रह गया? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, कौशलेंद्र कुमार किस समाज से हैं, और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू, और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री बिहार भी हैं, और जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं उसी समाज से कौशलेंद्र कुमार भी हैं, और सामने उनके डॉक्टर संदीप सौरभ जो एमएलए हैं, CPIML के उम्मीदवार हैं, और जात से यादव हैं। तो इस बार समीकरण साधने की कवायद, जो हम लोग इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बात करते हैं, तो वही दिखाई भी पड़ रहा है, और इसीलिए कसमकस यहाँ पर लड़ाई भी आपको नालंदा सीट पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जातीय सच्चाई से आप बिहार अछूता नहीं है। बिहार में तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखिए किस तरह से जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण हो रहा है और किस तरह से लड़ाई होती हुई, तो नालंदा में इस बार बहुत ही कांटे की लड़ाई हो रही है। देखिए, नालंदा की हमें बात जानी है, नालंदा से चलकर पटना क्यों आते हैं, पटना की चर्चा समीन करेंगे, पटना की चर्चा तो हम करेंगे, पटना साहिब की चर्चा, लेकिन मेरा एक सवाल है नालंदा को लेकर के, और दोनों में से जो भी आप लोग बता सके, ये मेरा सवाल ये है कि लगातार जैसे नालंदा में मैं भी गई थी, तो ये बात तो तय है ना कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए, क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर बाजाबता रोड शो निकाल दिया, और जिस तरह से कौशलेंद्र कुमार भी निकले हुए थे प्रचार प्रसार के लिए, क्या लगता है वाकई में टेंशन में है जेडीयू? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का रोड शो करना, और दो दो 27 और 28 तारीख को लगातार उन्होंने रोड शो किया नालंदा में कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में, तो निश्चित रूप से, और नीतीश कुमार का गृह जिला है, नीतीश कुमार का रोड शो करना ही एनफ है, उसको एनफ हम मानते हैं, बड़ा मैसेज, बिल्कुल बड़ा मैसेज है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और निश्चित रूप से जो हम बता रहे हैं डॉक्टर संदीप सौरभ यादव है, तो यादव वोट को भी अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार ने वहां पर वो रोड शो किया, और वो समझ में दिखाई भी पड़ रहा है। फैजान जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, आप देखिए, नालंदा की जो लड़ाई होती है खासतौर से लोकसभा के इलेक्शन, तो वो प्रेस्टीज इशू हो जाता है नीतीश कुमार के लिए। पिछले 20 सालों से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से नालंदा उनके लिए प्रेस्टीज इशू रहा है, क्योंकि देखिए अगर वहां जरा सा भी ऊंच नीच हो जाएगी
तो ये नीतीश कुमार की अपनी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करेगा। उनकी जो नीतीश मुख्यमंत्री की जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका इमेज है, यानी कि उनकी जो साख, क्योंकि वो उनका जिला है, नालंदा उनका जिला है, तो वो वहां से तो उनका उम्मीदवार जीतना ही जीतना है, क्योंकि उनका उम्मीदवार मतलब वो खुद वहां उम्मीदवार, वो खुद वहां पर उम्मीदवार है। अब हम अगली सीट पर बातचीत करेंगे, यानी कि पटना साहिब पर बातचीत करेंगे। देखिए पटना साहिब में हमने देखा है कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है रविशंकर प्रसाद को लेकर, और लगातार लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर ही रहे। क्या लगता है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे रवि जी आपसे, क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है पटना? देखिए निश्चित रूप से आज जो वोटिंग हो रही है सातवें और अंतिम चरण में, आप जो आठ सीट पर जो जहां जहां मतदान हो रहा है उसमें सबसे कम जो है सो पटना साहिब में अभी तक वोटिंग हुई है। बताइए राजधानी पटना में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज, ये सबसे आश्चर्य करने वाली बात है। तो यह कहीं आश्चर्य नहीं, ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखिए पटना साहिब वो कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ सारे ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े नेता और मतलब ब्यूरोक्रेट्स ये सब रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ लिटरेसी रेट जहाँ सबसे हाई है और वहाँ वोटिंग सबसे। लेकिन ये भी ट्रेडिशनल है, हमेशा हम तो जब भी देखते आए हैं तो पटना साहिब या बांकीपुर का आप लोग विधानसभा का बांकीपुर ले लीजिए, तो सबसे कम वोटिंग होती है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लोग बहस तो बहुत करते हैं घर में बैठ करके और बाहर निकल के और भाषण देते हैं और कहते हैं कि साहब ये गलत जीत गया वो सही जीत गया, लेकिन वो खुद बाहर निकल वोट नहीं देते। जबकि इस बार वोटिंग बढ़ाने के लिए पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी इफर्ट लिया और काफी मेहनत की और काफी वो लोग उन्होंने कोशिश की कि लोग ज्यादा बाहर निकल लेकर, लेकिन फिर भी अफसोस। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, किसका खेल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और किसका खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मैं किसी का बिगड़ता और बनता नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई एकतरफा फाइट यहाँ भी नहीं है। जैसा कि लोग समझते हैं कि भाई बीजेपी का गढ़ है पटना साहिब और उसके उम्मीदवार चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो हमेशा यहाँ से जीतते रहते हैं पिछले कम से कम 30 सालों से, लेकिन इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने काफी यहाँ पर अंशुल अभिजीत ने काफी मेहनत भी की है और काफी टफ कंटेस्ट दे रहे हैं। हालांकि अंशुल अभिजीत पटना के नहीं है जी। वो उनका कोई पटना घर नहीं है, वो सासाराम से, उनकी माँ मीरा कुमार सासाराम से लड़ती है, उनके नाना जगजीवन राम भी सासाराम से ही लड़े, कोई भी पटना से नहीं लड़ा है उनके परिवार से, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर पटना से अच्छा कंटेस्ट दिया है और कम से कम लोग जान रहे हैं कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा है। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि कौन उनके खिलाफ, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ कौन खड़ा होता था, ये लोग जानकारी भी नहीं रहते थे। इस बार सिर्फ कहते थे पंजा छाप, हाँ तो पंजा छाप वो लोग कहते हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं वोटर ये भी कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि उम्मीदवार कांग्रेस का कौन है या उसका नाम क्या है या उसका चेहरा क्या है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का पंजा है। ये यहाँ पर ये एक नई बात हुई है, ये एक नई बात हुई है। इसमें हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं, देखिए अंशुल अभिजीत ठीक है मीरा कुमार के पुत्र हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और जगजीवन राम के नाती हैं, लेकिन उनके साथ में एक और लीगेसी है, वह लीगेसी है सुमित्रा देवी, फर्स्ट कैबिनेट लेडी बिहार जो श्री कृष्ण बाबू के कैबिनेट में बनी थी, वो उन्हीं के वह पौत्र हैं। तो यह एक बड़ी बात है और उनका इनकम टैक्स के पास में उनका अपना आवासीय पता ठिकाना है, सुमित्रा देवी का अपना घर है और ये पुराना घर है। किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है रवि जी? देखिए वो कुशवाहा समाज से हैं, तो इस पटना लोकसभा जो मैं पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुशवाहाओं की बहुत अधिक तादाद है, तो कुशवाहा है तो निश्चित रूप से जो एनडीए का परंपरागत वोट है लॉ कुछ कॉम्बिनेशन है उसी में वह डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है ग्राउंड जीरो से बख्तियारपुर में कुशवाहा का झार करके वोट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको जो है सो पटना सिटी की तरफ चली वहां पर भी देखिए कुशवाहा का वोट उनको पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं आपको कुशवाहा, आप यही कह रहे हैं कि पटना साहिब में खेल होता हुआ
नजर आ रहा है। देखिए खेल होता हुआ तो अभी तो दिखाई हमको यही पड़ रहा है, उनको पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगली सीट पर, अगली सीट पर चर्चा करते हैं पटना साहिब की। आपने बात की पाटलिपुत्र सीट पर आते हैं रामकृपाल यादव और मीसा भारती, लालू प्रसादों की बड़ी बिटिया, दो बार हार गई, ठीक है फिर से टिकट मिला, रामकृपाल यादव दो बार जीत गए, लेकिन इस बार जैसा समरी ने कहा कि पटना साहिब में और सर ने भी कहा कि काफी कम वोटिंग हुई है। पटना से सटे पाटलिपुत्र पर चलते हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग वही हुई है जो दिख रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, बताइए पटना में सबसे कम वोटिंग, पटना पाटलिपुत्र में बगल में ही पाटलिपुत्र जो है वो प्रीडोमिनेंटली रूरल एरिया है, उसके बावजूद वहां ज्यादा वोटिंग होना ये दिखाता है कि वोटरों में उत्साह है। नहीं पाटलिपुत्र में दिखाया था कि जो लोग जो बाहर से आकर बस गए, फूल की बात करें तो फॉरवर्ड्स की जो संख्या वो वहां पे अच्छी संख्या में, दानापुर के इलाके में हम देखते हैं पहले घर वर नहीं बने थे, अब अपार्टमेंट बने हैं उनमें लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, तो वो वोटर्स वहां से निकल के लगता है वोट दे रहे हैं। हाँ नहीं नहीं जो एक्सपेंशन हुआ है टाउन का, तो पटना साहिब और पाटलिपुत्र में कोई अब डिफरेंस नहीं रह गया है, और जो आप जैसा कह रहे हैं कि नया नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ है वहां पर, लेकिन फिर भी वो उसका रूरल एरिया भी काफी बड़ा है वहां का। अब वहां पर अगर 50% अब जो 3 बजे तक का जो आंकड़ा बता रहे थे, लगभग 50% वहां वोटिंग, 3 बजे ही 50% हो गया था, 3 बजे तक ही 50% हो गया था, जो कि आगे बढ़कर और ज्यादा तक जाएगा, तो ये अच्छा दिखाता है कि भाई वहां उत्साह वोटरों ने दिखाया है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती में यहाँ मुकाबला है, यहाँ भी टफ मुकाबला चल रहा है। इस बार देखिए पूरे बिहार में लगभग 40 में मैं कह सकता हूँ कि 35-36 सीट ऐसी हैं जहाँ सीधा मुकाबला है, नेक टू नेक डायरेक्ट कंटेस्ट है, नेक टू नेक कंटेस्ट है, और वहाँ जो भी रिजल्ट होगा वो मार्जिन बहुत कम होगा। अब देखिए यहाँ पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव जी 2 मरतबा यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन इसमें एक और देखिए दिलचस्प पहलू ये निकल के आता है कि ये कंस्टिट्यूएंसी बनी 2009 में, परिसीमन के बाद ये बनी 2009 में पहला इलेक्शन हुआ जब रंजन यादव एमपी हो गए लालू यादव को हरा कर। तो ये देखिए कि लालू परिवार से यहाँ कोई अभी तक नहीं जीता है, कोशिश बहुत की, लालू यादव खुद हार गए, कंस्टिट्यूएंसी से लालू परिवार से अभी तक कोई भी नहीं जीता। 2009 में लालू जी खुद इलेक्शन लड़े, रंजन यादव ने उनको हरा दिया था, कम मार्जिन से था, 23-24 हजार के मार्जिन से हराया था, लेकिन उसके बाद 2 बार रामकृपाल यादव और मीसा भारती में टक्कर हुई। रामकृपाल यादव ने आरजेडी भी छोड़ी इसीलिए कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था आरजेडी की तरफ से, लालू जी के खास आदमी थे ये, लेकिन जब उन्होंने देखा कि टिकट मुझे नहीं मिल रहा है आरजेडी से, तो उन्होंने रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद फिर मीसा भारती से कंटेस्ट भी हुआ और वो जीते, 2 बार जीते, यानी मीसा भारती को उन्होंने 2 बार हराया, और यानी कि इस क्षेत्र से लालू परिवार के 2 सदस्य 3 बार हारे हैं। इस बार क्या लगता है, मतलब लगता है कि पलड़ा भारी है रामकृपाल यादव, कहीं मीसा भारती क्योंकि इस बार प्रचार खूब किया उन्होंने, राबड़ी देवी उतर गए प्रचार प्रसार करने के लिए, पहले भी राबड़ी देवी उतरी है, रोहिणी आचार्य गई, लालू प्रसाद खुद गए, पूरे परिवार ने इसमें काम किया और मेहनत की है उनको जिताने के लिए, और लालू जी ने भी काफी इस पर इसमें मेहनत की और तेजस्वी ने भी की है। लेकिन देखिए रामकृपाल यादव के साथ एक जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि साहब वो वहां रहते हैं, सबके यहाँ आते जाते हैं, चाहे किसी के यहाँ कोई मौत हुई हो, किसी का बर्थडे हो, किसी के यहाँ शादी हुई हो, कुछ भी हो, छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो, किसी के यहाँ भी हो, गांव-गांव के अपनी कंस्टिट्यूंसी के गांव-गांव में हर आदमी को पर्सनली वो जानते हैं और सबसे मिलते रहते हैं और सबके यहाँ आते जाते रहते हैं, जो शायद और दूसरे MP कहीं भी, हम किसी भी यहाँ की बात कनेक्ट है लोगों से जुड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा, और इतना शायद कोई पीपल फ्रेंडली MP नहीं हो सकता है। क्या लगता है रामकृपाल यादव को लेकर, आप पहले भी कहते रहे पीपुल्स कनेक्ट हैं, आप तो उनसे मिलते भी रहे। रामकृपाल यादव पीपुल्स कनेक्ट की बात नहीं, किस एक लाइन में समझ लीजिए, रामकृपाल यादव सरल और सुलभ हैं लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, जब भी आप जाइए उनके पास, वो कोई भी रेलवे का पर्ची लेके जाइए, आरक्षण का रिजर्वेशन हो वो साइन करके तुरंत आपको चल जाएगा, वो अलग बात। देखिए आज देखिए जो हम लोग को ट्रेंड समझ में आ रहा है पाटलिपुत्रा का, कि आपको मनेर में बम्पर वोटिंग चल रही है, आप दानापुर चलिए, दानापुर के शहरी इलाके में बम्पर वोटिंग हो रही है, दियारा इलाका जो फैजान साहब कह रहे थे, जो वो दियारा इलाके में वहां पर भी वोटिंग जोरदार है, वोटिंग जोरदार वोटिंग हम कह रहे हैं, शब्द का पकड़िएगा आप, और विक्रम में भी चलिए,
विक्रम में भी जो हाल के दिनों में अनिल कुमार किधर आए हैं पूर्व एमएलए, इस बात को समझिए, तो वो उधर विक्रम में भी ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। अनिल कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और लेकिन तो विक्रम में तो उनके जो विधायक है वो तो चले गए इंडिया की ओर। वही हम बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं कि अनिल कुमार पूर्व एमएलए हैं जो सो विक्रम के, वह जो है सो इधर आए हैं, और जो है सो उधर के एमएलए जो थे डॉक्टर सिद्धार्थ इधर आए हैं। तो वहां पर का जो विक्रम का भी ट्रेंड, देखिये ट्रेंड समझने की बात है, जीत और हार और ईवीएम में सबकी कैद हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, वह कुछ संकेत, वह कुछ इशारा कर रहा है, मनेर का वोट इशारा कर रहा है, दियारा का वोट कुछ इशारा कर रहा है, दानापुर शहर का इलाका का वोट कुछ इलाका का इलाका, तो वह सब को समझने की बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको हम लोग एक और बता दें समरीन की, पाटलिपुत्र से मीसा भारती उम्मीदवार है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की धर्म पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य उनकी बहन, वह तीनों माता पिता और पुत्री जो है सो यह तीनों वेटनरी कॉलेज में किसको जाकर के वोट दिया, अपनी बिटिया को तो नहीं वोट दिया, वो किसको वोट दिया, अंशुल अभिजीत को दिया, अंशुल अभिजीत को देखा तो नहीं लेकिन दिया तो होगा अंशुल अभिजीत निश्चित रूप से, जब एनडीए फोल्ड में है जब, तो ये एक बड़ी बात है समझ में आने वाली, बिटिया को नहीं दे सके उस क्षेत्र में और यही के वो वोटर है, इसलिए वेटनरी कॉलेज में तीनों जाकर के उसको वोट दिया, यह तो सबसे बड़ी बात है, पिता और माता का भी वोट नहीं मिल पाया, वही कारण। चलिए देखना होगा अगली सीट की ओर समीन बढ़ेंगे, चर्चा होगी। बिल्कुल, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आरा की सीट, और आरा की सीट भी इस बार काफी दिलचस्प है। अगर हम पहलवानों की बात करें तो एक तरफ आर के सिंह है और दूसरी तरफ है सुदामा प्रसाद, क्या लगता है रवि जी कौन जीतेगा आरा? देखिए आरा में बहुत टफ फाइट दिखाई पड़ रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज भी दिखाई पड़ रहा है वह भी बहुत टाइट दिखाई पड़ रहा है, और सुदामा प्रसाद माले के उम्मीदवार हैं, और हम आपको समरीन एक बार पहले भी हम कह चुके हैं कि इस बार का जो 8 सीट पर चुनाव हो रहा है, माले 3 सीट पर लड़ रही है और इसी चरण में है तीनों सीट सातवें और नालंदा आरा और काराकाट, तो ये सुदामा प्रसाद वहाँ लोकल हैं, पॉपुलर हैं, माले के हैं, लेकिन अब माले पर कितना खेती किसानी वाली चढ़ेंगे यह देखने वाली बात है, और राजपूत समाज का वोट कितना चढ़ेगा यह देखने वाली बात है, लेकिन सुदामा प्रसाद निश्चित रूप से वहां पर आरके सिंह के खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और फैजान साहब कुछ नोट के पास में कुछ जानकारी, आरा से खबर भी आ रही थी बीजेपी नेता के साथ मारपीट की खबर आई है, क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, आरा में के एक सेमरा गांव में धीरेंद्र सिंह के नाम के एक आदमी के साथ मारपीट हुई है, इतनी कुछ ज्यादा ही मारपीट लगता है क्योंकि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। पता चला कि ये धीरेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और ये आरके सिंह के पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट भी हैं। अच्छा। तो ये एक सीरियस मामला ये भी हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ वर्कर के तौर पर नहीं है, क्योंकि वो इनके इलेक्शन एजेंट भी हैं और मारपीट हुई है इतनी कि वो बहरहाल उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, तो ये एक सीरियस इंसिडेंट तो हुआ है। बिल्कुल, मतलब आरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आरा में क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए आरा जो है वो कहिए कि CPI ML या उससे पहले CPI ML से पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट हुआ करता था, तो इंडियन पीपुल्स फ्रंट और CPI ML की ये कर्म भूमि है, भोजपुर, पूरा इंटायर भोजपुर, और वहां से पिछली बार एक विधायक भी माले के जीते हैं, तो ये हमेशा उनकी, और वो कर्म भूमि क्यों बनी, क्योंकि वहां हमेशा वायलेंस होता रहा, चाहे वो प्राइवेट आर्मी के बीच में हो या जमींदारों के बीच में हो, बाद में रणवीर सेना के उसे जितने भी क्लैशेस हुए हैं उसमें CPI ML या तो विक्टिम रही है या एग्रेसर रही है। अगर उसके लोग मारे गए हैं तो इसका मतलब प्राइवेट आर्मी ने उनको मारा है, या प्राइवेट आर्मी की, या खासतौर से अपर कास्ट भूमियार के लोग अगर मारे जाते थे तो कहा जाता था कि भाई ये माले के लोगों ने ये किया है। तो ये खून खराबा अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि अब ये नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सालों तक चला है, और उस वजह से ही CPI ML बाद में CPI ML बना, पहले इंडियन पीपल्स फ्रंट था, तो उसका वहाँ वर्चस्व भी हुआ, उसका उसने आगे बढ़ करके वहाँ फिर वो इंडियन पीपल्स फ्रंट के नाम पर इलेक्शन भी हुआ। आरा से इंडियन पीपल्स फ्रंट के नाम पर एक संसद भी चुने गए हैं, एक MP जो चुने गए बिहार से अकेले, वो आरा से ही चुने गए थे, तो उनकी तो जमीन है वहाँ,
ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई हवा में लड़ रहे हैं या उनका कोई वर्चस्व वहां नहीं, उनकी जी जमीन है वहां, उनके सपोर्टर्स हैं वहां, और बहुत ही मिलिटेंट सपोर्टर्स हैं, जी एग्रेसिव जी सपोर्टर्स हैं अग्रेसिव उनके। सपोर्टर्स हैं। तो हाँ। अगर वहां कंटेस्ट हो रहा है तो बहुत ही टफ और कीन नेक टू नेक कंटेस्ट हो रहा है। नेक टू नेक कंटेस्ट हो रहा है, बड़ी बात कह दी है फैजान जी ने। अब हम चाहेंगे कि अगली सीट पर आलोक जी बताएंगे क्या कुछ होने नहीं, बक्सर की हम बात करते हैं, हरा की बात आपने की, बक्सर में मिथिलेश तिवारी है, सुधाकर सिंह है आरजेडी से, अब जल्दी रिएक्शन लेंगे क्योंकि समय की प्रतिबंधता है। मिथिलेश तिवारी हैं, सुधाकर सिंह हैं, और जो आईपीएस थे, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। क्या आनंद मिश्रा को उतने वोट मिल रहे हैं कि सुधाकर सिंह के लिए राह आसान हो जाएगी, या फिर आनंद मिश्रा ही खेल कर देंगे? नहीं, आनंद मिश्रा की वजह से कोई ट्रेंगुलर कंटेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मेन कंटेस्ट वो अभी भी मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह ही है। लेकिन सुधाकर सिंह जो है वो वहाँ के जाना पहचाना एक चेहरा है। बिहार राजद के वो अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटा हैं, बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और नीतीश कुमार से झगड़ा भी करते रहे, फिर उन्होंने वो रिजाइन भी किया, अलग भी हुए, तो वहाँ अच्छा कंटेस्ट दे रहे हैं। हालांकि वहाँ एक फैक्टर और भी है जिसको मैं तज़किरा करना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवार जो कि केंद्र में स्टेट मिनिस्टर भी थे, अभी भी हैं, यानी अश्विनी कुमार चौबे, फूट फूट कर रहे थे टिकट कटने के बाद, उनको टिकट, उनका टिकट काट दिया गया, बताया उनको, तो उनके लोग कहते हैं कि बताया भी नहीं गया कि क्यों उनका टिकट काट दिया गया, क्या ऐसी नाराजगी थी हाईकमांड को कि टिकट काट दिया। कहीं ना कहीं नाराजगी अंदर है उनके लोगों के बीच में, अब वो नाराजगी कहाँ तक असर करती है इस इलेक्शन वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल सुधाकर सिंह यहाँ पर टफ कंटेस्ट दे रहे हैं, लगता है सुधाकर सिंह। नहीं देखिए, इसमें दो बात और हम जोड़ेंगे। देखिए, एक तो मिथिलेश तिवारी बाहर अंदर बाहर की फीलिंग है, वहां आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी जो वीआरएस लेकर के असम कैडर के थे, वह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी ब्राह्मण समाज से ही है, वही के लोकल है। उसके बाद से एक ददन पहलवान पूर्व मंत्री, वह भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक और बसपा से अनिल कुमार चौधरी लड़ रहे हैं हाथीचा, और ये समझना पड़ेगा बीएसपी का भी उधर वोट अच्छा है। वही नहीं, हम वही बताना चाह रहे हैं कि बक्सर और वाराणसी दोनों लगा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वाराणसी में भी आज वोट हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वह सटा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो बसपा का भी गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिथिलेश तिवारी कहां तक नरेंद्र मोदी का चुनाव बगल में वोट हो रहा है तो उसका लाभ ले पाते हैं कि नहीं। जो और जो नाराजगी है ब्राह्मण में बाबा अश्विनी चौबे का वोट काटने के बाद, ददन पहलवान कहां तक डेंट लगा पाते हैं सुधाकर सिंह को, यह भी देखने वाली बात होगी। और बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, कौन सा खेला करती है, क्या बिगाड़ती है, ये देखना होगा। चलिए अब अगली सीट की बात करेंगे, समरीन बात करेंगे सासाराम। बिल्कुल, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सासाराम की सीट, और यहाँ पर भी हमें पता है कि पहलवान मैदान में कौन कौन है, यानी कि एक तरफ है शिवेश राम तो वहीं दूसरी तरफ है मनोज राम। क्या लगता है सासाराम का जो पूरी, अगर हम बात करें कि सासाराम का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, सासाराम कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, सासाराम में सबसे बड़ी बात है कि वह छेदी पासवान, जिस तरह से फैजान साहब ने कहा कि बक्सर में अश्विनी चौबे को दरकिनार कर दिया गया, ठीक, यहाँ पर छेदी पासवान सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, उनको दरकिनार करके शिवेश राम को बनाया गया। शिवेश राम कौन है? शिवेश राम प्रदेश भाजपा में महामंत्री हैं, नंबर एक, और इनके पिताजी भी पूर्व एमपी रहे हैं इसी सासाराम सीट से। तो और उसके बाद सामने मनोज राम लड़ रहे हैं चुनाव, दोनों राम ही राम है, हम पहले भी समरीन कहे दो राम लड़ रहे हैं, तो अब तीसरे राम को ऊपर से देखना पड़ेगा कौन राम यहाँ पर आएंगे, और ये दोनों राम मजबूत फाइट देते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं दोनों को। रवि जी, यहाँ दो राम नहीं है, यहाँ तीन राम है। अच्छा, तीसरे राम बता, तीसरे राम नहीं देख रहे हैं आप? अरे कंस्टिट्यूएंसी का नाम है सासाराम। मतलब यहाँ पर तीन तीन राम है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे फैजान जी, क्या लगता है यहाँ का जातीय समीकरण किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? देखिए, ये एक सुरक्षित सीट है, जो आज आठ सीटों में हो रहा है उसमें यही एक अकेले सुरक्षित सीट है सासाराम। तो जब जहाँ से बाबू जगजीवन राम जो उप प्रधानमंत्री भी बने देश के, वो यहाँ से जीते हैं, मीरा कुमार जो मंत्री रही और फिर लोकसभा अध्यक्ष रही वो यहाँ से जीती हैं। तो बहरहाल जो बात अभी कह रहे थे कि शिवेश राम और मनोज राम के बीच ये है कंटेस्ट, तो अब वही फिर वही बात आए कि ऊपर वाले राम जो जिसको चाहेंगे वो उसको नवाज दें। लेकिन क्या खबर आ रही है, आगे कौन चल रहा है सीट से?
क्या यहाँ पर भी नेक टू नेक वाली फाइट है? देखिए जितनी भी आज की आठों, पहले के हम छोड़ देते हैं बात, आज की आठों में आठों सीटों पर नेक टू नेक ही, यानी कि आठों सीटें काफी क्रूशियल है, क्रूशियल है एनडीए के लिए भी, इंडिया ब्लॉक के लिए भी। देखिए अगली सीट जहानाबाद की सीट है जिस पर चर्चा करेंगे। देखिए जहानाबाद की सीट में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव, पिछली बार 1700 वोट से हार गए थे, 1700 वोट से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जीत गए थे। इस बार काफी नाराजगी थी लोगों में, काफी नाराजगी थी, लेकिन ललन सिंह, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार खुद जाकर, क्या वहां लोगों को मना पाए, क्या मूड बदला वहां के लोगों का? ये कहना मुश्किल है कि मूड बदला या नहीं, लेकिन नाराजगी, हालांकि ये चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार वो जो एमपी बन गए सीधे, लेकिन बाद में जिस तरह की कुछ खबरें आई, कहाँ तक सही है ये हम उस पर बहस, व्यापार को लेकर के, उनके बेटे को लेकर, उसको बेटे को लेकर के, या जो कुछ भी करप्शन और क्या स्कैम वगैरह, वो अलग मामला है, लेकिन उसका असर बहरहाल उनके वोटर्स पर तो जरूर पड़ा है। यही नतीजा है, इसी का नतीजा था कि मुख्यमंत्री को खुद वहां जा करके वहां मेहनत करनी पड़ी, माफी मांगना पड़ा। उनके कई मंत्री जा करके वहां कैंप किए हैं, वहां काम किए हैं। अब देखिए अब क्या उसका नतीजा होता है, लेकिन स्कैंडल कोई भी हो जाए या करप्शन का कोई भी केस हो तो इलेक्शन में एक मुद्दा तो बन जाता है, एक मुद्दा बनता है। क्या लगता है सुरेंद्र यादव एक ही बार एमपी बने हैं, क्या दोबारा हो पाएगा? एक बार बने हैं। देखिए यहाँ पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, सुरेंद्र यादव आरजेडी से और बसपा से पूर्व सांसद वही जहानाबाद से अरुण कुमार, वो लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर जो समीकरण दिखाई, भूमिहार बहुल वह सीट रहा है, भूमिहारों में बड़ी नाराजगी है। वही आप कह भी रहे हैं कि भूमिहारों की माने बड़े बड़े नेताओं को वहां उतार दिया गया, तमाम बड़े नेता जो भी हैं एनडीए से वो तमाम जाकर के मनाने के कवायद में लगे रहे। अब भूमिहार कितना मानते हैं, क्या करते हैं, अगर भूमिहार का वोट थोड़ा सा भी कटिंग हुआ, वो अरुण कुमार के तरफ गया, तो निश्चित रूप से वो फिर क्या होगा, वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा, समझा जा सकता है। तो यहाँ लड़ाई बहुत, फिर लॉटरी खुल जाएगी। बिल्कुल। चलिए अब अंतिम सीट काराकाट की, सुपरस्टार पवन सिंह। बिल्कुल मतलब ये हॉट सीट है जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं काराकाट की। देखिए आपको मालूम है कि काराकाट में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, यानी कि एक तरफ है उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ है राजा राम और तीसरी तरफ है पवन सिंह। तो हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि यहाँ की पवन किस दिशा में बह रही है। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर आपको यह तीन सीट पर लड़ाई तो है, एक यहाँ पर तीन जो उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा, पवन सिंह, एक और यहाँ पर उम्मीदवार है AIMIM, ओवैसी की पार्टी के। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या होता हुआ दिखाई पड़ा। जो हमारी जानकारी है दिन के 1 बजे तक AIM के जो प्रत्याशी हैं, कि जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भी वोट गिरा है, वहां भी वोट पड़ रहे हैं। तो काराकाट में भी जो है सो आपको 50% के आसपास वोट पड़ा था वहां, मैंने आपको 2-3 बजे तक। तो ये आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में लड़ाई है, लेकिन वहां जो फाइट दिखाई पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा के बीच में। यह पवन सिंह ठीक है, वह उनके साथ में प्रशंसक हैं लेकिन समर्थक नहीं है। समरीन इस बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो हम आपको वोट से मतलब आप कह रहे हैं कि ये भीड़ है जो वोट में नहीं बदलेगी, आपको क्या लगता है फैजान? चलिए पूरी बहस में हम लोग एक पार्टी का नाम लेना भूल गए, उसका कहीं जिक्र नहीं है, वो था ऑल इंडिया मुस्लिम मंच से इत्तेहाद मुस्लिमीन का। जैसा कि अभी बताया कि काराकाट में उसके उम्मीदवार है, पाटलिपुत्रा में भी उसका उम्मीदवार है फारूक रजा नाम के, उनको भी कितने वोट आ रहे हैं देखना होगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन बहरहाल वो तीन वैसे जब आए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसी चोट देंगे जिसका दर्द तेजस्वी यादव भुला, बदला लेंगे, जो चार विधायक खड़े पे थे तो वो बदला लेंगे, इस फाइटिंग विद अ सेंस ऑफ वेंजियंस जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो वही है। लेकिन ठीक है, यहाँ काराकाट की हम लोग बात कर रहे थे तो पवन सिंह मतलब पलरा भारी है, नहीं पल्ला की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पवन सिंह भोजपुरी के अच्छे गायक हैं और उनके बहुत पावर स्टार कहे जाते हैं, तो पावर दिखा उनके बहुत से रिकॉर्ड्स हैं और वो बजते हैं और लोग बहुत प्रशंसक हैं उनके और बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स काराकाट में हैं या बिहार के में हैं या बिहार से बाहर हैं वो अलग बात है।
वहां कितने उनके फॉलोअर्स और समर्थक हैं ये हम नहीं कह सकते। लेकिन क्या लग रहा है पलरा किसका भारी दिखाई दे रहा है, कौन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ कंटेस्ट उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा के बीच में ही है। चलिए बड़ी बात, समरीन एक बात समझने, जो फजान साहब बोले उसमें एक लाइन और हम जोड़ दें, पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, ठीक है पावर स्टार कहते हैं अपने आप को और लोग मानते भी है जो भी है, लेकिन जो निर्दलीय लड़ रहा है उसके पास में आप समझिए न उसके पास में झंडा है न डंडा है न बंदा मिलता है, ये आप समझ लीजिए। ये तीन बात निर्दलीय के साथ देखिएगा, और ये दोनों आप उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं एनडीए फोल्ड से, राजाराम कुशवाहा भी लड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से, और माले के वह प्रत्याशी मरे तो वह समझ लीजिए कि क्या लड़ाई ठीक है। बिहार में दो निर्दलीय और लड़ रहे हैं जी, हिना साहब और पप्पू यादव, उन दोनों की बात अलग थी, ये पवन सिंह वो दोनों नेता है, वो दोनों नेता रहे हैं। इसमें एक बात और भी वही जोड़ने की है कि भाई देखिए पवन सिंह इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं यहाँ से, ये अभी तक एक राज बना हुआ, अभी तक ये साफ नहीं हो सका। पवन सिंह की चर्चा थी कि आरा से लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, टिकट वापस कर दिया, टिकट उन्होंने लिया, बड़ी खुशी मनाई, मिठाई बटी, और उसके बाद अचानक उन्होंने टिकट वापस उन्होंने टिकट कर दिया। अब उसके बाद ये अचानक उन्होंने फैसला किया हम काराकाट से इलेक्शन लड़ेंगे। हमें इस बीच ये भी ध्यान देना होगा कि इसी बीच जब टिकट वापस किया तो मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा से जी, और उसके बाद ये फैसला लिया, और यहाँ से माने बीजेपी ने मना किया उनको इलेक्शन नहीं लड़ने का, उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उनको अपने पार्टी से निकाल भी दिया फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने तफसील से चर्चा की है कि आखिर इन 8 सीटों का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ खबरें आ रही है, और ये भी हमने आपको बताया कि इन 8 सीटों पर कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बस थोड़ी देर में एग्जिट पोल, बड़ा एग्जिट पोल लाइव स्ट्रीम पर, आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, एग्जिट पोल जरूर देखिएगा, उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उसे भी हम आने वाले वीडियोस में जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद।